डेफिनेटली किसानों को सपोर्ट करता हूँ, मैं भी करता हूँ और सभी को करना चाहिए। प्राइमरी कंट्री का ऑक्यूपेशन एग्रीकल्चर है और उनकी स्थिति अगर इतनी खराब है सच्ची में। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का इस कार्यक्रम में दर्शकों। आज हम एक बार फिर बात करेंगे किसानों की, क्योंकि किसानों का आंदोलन इस वक्त चल रहा है और 3-4 degrees Celsius जब ये तापमान है, ऐसे इतनी ठिठुरती हाड़ कपा देने वाली ठंड में ये सारे किसान अपनी मांगों को मनवाने के लिए इस वक्त दिल्ली के आसपास तमाम जितने बॉर्डर हैं वहाँ पर खुले आसमान के नीचे इस वक्त वो अपनी मांगों को मनवाने के लिए आंदोलन कर रहे हैं। और ऐसे में जब बहुत सारे लोग रजाइयों में छुपकर सोना और आराम करना चाहते हैं, ऐसे समय में ये किसान अपनी मांगों के लिए वहाँ पर डटे हुए हैं। सरकार भी अपनी तरफ से डटी हुई है क्योंकि वो नहीं चाहती कि वो जो कॉरपोरेट के पक्ष में जो उन्होंने कानून बनाया है वो उसे बदलना बिल्कुल नहीं चाहते, क्योंकि चुनावों में उनसे काफ़ी कुछ वो धन पहले ही ले चुके हैं और ये सौदा पहले ही हो चुका है। ऐसे में हम देखते हैं कि बहुत सारे जो फिल्मी कलाकार हैं वो भी अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं, जिसमें ज़्यादातर जो कलाकार पंजाब से आते हैं उनका भी उसमें योगदान दिख रहा है, जो वहाँ पर प्रतिक्रिया दे रहे हैं किसानों के पक्ष में। कई कलाकारों ने कहा है कि कई बहुत बड़े फेमस एक्टर्स ने कहा है कि किसानों को आंदोलन की ज़रूरत ही नहीं पड़नी चाहिए थी और ऐसे लोग जो हमें रोटी देते हैं, जो खाना देते हैं, उनको आंदोलन करने की ज़रूरत क्यों पड़ रही है। लेकिन वहीं पर कई ऐसे कलाकार भी हैं जो किसानों के खिलाफ बात कर रहे हैं, कोई उन्हें नक्सली कह रहा है, कोई उन्हें आतंकवादी कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, इस तरह से बहुत सारी बातें चल रही है। हम देखते हैं कि बहुत सारे जो एक्टर होते हैं, बड़े फेमस एक्टर हैं, बड़े नामी कलाकार हैं, उन्होंने पर्दे पर किसानों का जो रोल है वो भूमिका निभाकर करोड़ों कमा लिए, लेकिन आज जब किसानों की बात आ रही है तब उनमें से कोई कुछ नहीं बोल रहा है। जो कुछ बोल रहे हैं वो बहुत ही कम ऐसे एक्टर्स हैं। लेकिन द बैटल ऑफ भीमा कोरेगांव, ये एक फिल्म ऐसी है जो खास विचारधारा, जिसमें अम्बेडकरी विचारधारा हम कह सकते हैं, इस अम्बेडकरी विचारधारा के एक निर्माता जो कि IAS थे कभी और उन्होंने रिटायर होने के बाद ये फिल्म, इस फिल्म का निर्माण शुरू किया और वो फिल्म बनाई है। उस फिल्म के कलाकार देखिए, जब किसी विचारधारा का प्रभाव पड़ता है तो कैसे जो इक्वलिटी है, जो समानता है कि उसकी भावना आने लगती है। द बैटल ऑफ भीमा कोरेगांव फिल्म के जितने भी स्टार हैं उन्होंने अपनी ओर से बयान जारी करके कहा है कि वो किसानों का समर्थन करते हैं। क्या कहा है उन्होंने आपको इसके आज के इस कार्यक्रम में हम दिखाएंगे और साथ ही आपको बताएंगे कि मध्य प्रदेश के जो किसान हैं वो आखिर इस आंदोलन में कहाँ हैं, वो इस आंदोलन में नज़र क्यों नहीं आ रहे हैं। हम देखते हैं कि जो महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के जो किसान हैं, अक्सर यहाँ से खबरें आती हैं कि कर्ज के बोझ के तले दबकर और सही मूल्य नहीं मिलने की वजह से किसानों ने आत्महत्या की, ज़्यादातर यहीं से खबरें आती हैं और यहीं के वो किसान हैं जो इस वक्त किसानों के हित में आवाज़ उठाने के लिए कहीं पर भी बाहर आंदोलनों में नज़र नहीं आ रहे। क्या कारण है इसका, ये भी आज इस कार्यक्रम में देखेंगे। वहीं इस बात को हम देखते हैं कि जो APMC हैं, जो कि कृषि उपज मंडियां हैं, वहां पर इस वक्त क्या हाल है। चलेंगे सीधे यहां से, अब हम चलते हैं बालाघाट मध्य प्रदेश की एक कृषि उपज मंडी में और वहां देखते हैं कि क्या सोच रहे हैं किसान। दर्शकों, हम इस वक्त हैं यहाँ बालाघाट में, जो मध्य प्रदेश में है और मध्य प्रदेश की ये कृषि उपज मंडी है, APMC जिसे कहा जाता है। और यहाँ आने की वजह ये है कि कल जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया कि इस जो मामला चल रहा है इस वक्त भारत में, जो किसान आंदोलन चल रहा है, ये कहीं ना कहीं पर ख़त्म हो और इस पर बातचीत हो। उन्होंने एक ये भी पहल की कि वो एक समिति बनाएंगे और समिति बनाकर किसानों की जो समस्या है उस पर सुनवाई हो, उस पर बातचीत हो, ये एक प्रयास सुप्रीम कोर्ट की ओर से भी किया गया है। इस मंडी में हमने कुछ किसानों से बात करने का प्रयास किया है और आज आइए बात करते हैं। क्या नाम है आपका? शोभाराम लिल्लारे। शोभाराम, ये बताओ कहाँ से रहने वाले हो? ग्राम गोंगलई के। गोंगलई से क्या लेकर आए हैं आप? धान।
धान लेकर आए हैं। अच्छा, तो ये बताएं कि यहाँ पर आपको जो न्यूनतम समर्थन मूल्य जो सरकारी रेट है वो मिलता है, और इसकी जानकारी कैसे मिलती है आपको? इसकी जानकारी सर जी मैसेज के द्वारा। अच्छा, मैसेज के द्वारा 2-3 दिन पहले मैसेज आ जाता है। जैसे अपने लिस्ट के आधार पे फिर आते हैं किसान। अच्छा, लोग। अच्छा, समर्थन मूल्य पे ही धान खरीदी होती है। समर्थन मूल्य पे धान खरीदी होती है जी। अच्छा, ये बताइए कि जैसे इस समय आप लोग यहाँ पर आ जाते हैं, उसके बाद क्या क्या होता है यहाँ? यहाँ पे सर जी मॉइस्चर मशीन से नमी उमी चेक करते हैं और सैंपलिंग होती है थोड़ी सी, देख धान के साफ सुथरा है कि नहीं करके। अच्छा, तो आपको क्या लगता है कि ये जो सरकारी मंडी बनी हुई है यहाँ पे, यहाँ धान बेचना ज़्यादा अच्छा होगा कि अगर यहाँ थोड़ी सी दूर पे कोई प्राइवेट मंडी बन जाए तो वहाँ धान बेचना ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्या बोलते हैं? अभी मंडी में समर्थन मूल्य पे बेचना ज़्यादा अच्छा है नहीं? अच्छा, बाहर में क्या है वही रेट क्या है, 1400-1500 के ऊपर बिकेगा, उससे ज़्यादा भी बिकेगा नहीं अभी। नहीं तो जैसे बहुत सारे लोग कहते हैं कि जैसे BSNL है ना, तो BSNL और बाहर जो दूसरे जो और भी जियो है, एयरटेल है, बहुत सारे ऐसी कंपनियां हैं, तो वो लोग कम भाव में आपको ज़्यादा अच्छा सुविधा देते हैं, है ना उनका, और सारे लोग उधर चले जाते हैं, BSNL को लोग छोड़ देते हैं। तो वैसे ही अगर आपको वहाँ पर ज़्यादा भाव मिलने लगे तो आप लोग ये सरकारी मंडी छोड़ देंगे? जी सर, ज़्यादा जहाँ रेट मिलेगा वहाँ पर बेचेंगे। ज़्यादा जहाँ रेट मिलेगा हाँ वहीं पे बेचेंगे। और शुरू में अगर प्राइवेट कंपनियों ने अच्छा फायदा दिया, जैसे जियो में फायदा होता था, है 3-4 साल उन्होंने फ्री दिया, फिर बाद में एकदम से रेट बढ़ा दिया, और वैसे ही अगर यहाँ पर होगा कि बाहर प्राइवेट मंडी बन जाएगी कुछ दिनों तक के, 1-2 साल अच्छा धान आपको बढ़िया भाव देंगे, बाद में फिर एकदम कम कर देंगे, तब तक आपकी सरकारी मंडी बंद हो जाएगी, तो वो स्थिति कैसी रहेगी आपके हिसाब से? बहुत खराब हो जाएगी सर जी। हाँ जी, वो स्थिति बहुत खराब हो जाएगी किसानों के लिए। नहीं अभी तो फायदा मिल जाएगा कुछ दिनों का मान के चलो, और बाद में नहीं मिला तो फिर किसानों को ही पछताना पड़ेगा। अच्छा, जैसे MSP खत्म कर दीजिए। हाँ। ज्यादातर बेहतर ही समर्थन मूल्य ज्यादा अच्छा रहेगा फिर। समर्थन मूल्य ज्यादा अच्छा, तो एक मांग की जा रही है कि समर्थन मूल्य के लिए कानून बनना चाहिए। इसमें किसानों को फायदा होगा सर, और कानून बनने से उसका प्रावधान बनना चाहिए कि उससे कम में अगर लेता है वो धान तो उसका रिपोर्ट होना चाहिए, उसमें कार्रवाई होना चाहिए, तो किसान को फायदा है। अच्छा, और नहीं तो उसके बाद किसानों को, वो तो जाएंगे 1400-1500 में धान लेते हैं वहाँ जाके, प्राइवेट कंपनी उनका कोई भरोसा थोड़ी है। अभी कई कोचिया लोग भी ले लेते 1400-1500 में, तो वही स्थिति आगे चल के आएगी। उसका कानून बनना चाहिए, लिखित में देना चाहिए सरकार को ऐसे कि समर्थन मूल्य की खरीदी से कोई भी धान कम ना ले रेट में। अच्छा, तो उसमें किसान को फायदा है तो घाटा ही घाटा है। अच्छा, एक बात बताइए कि आपको क्या लगता है कि जैसे सरकारी मंडी में आने के बाद में परेशानी होती है, कोई दिक्कत होती है आपको अपना धान बेचने के? नहीं सर, मतलब यहाँ मंडी में दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, मतलब आपके हिसाब से मंडी रहना चाहिए? मंडी रहना चाहिए तो अपने को यहाँ लाके बेचने में कोई परेशानी नहीं होती और कोई आपत्ति नहीं आती। और प्राइवेट मंडी में जैसे बेचेंगे हम लोग और उनने कम में दिया रेट तो हमको घाटा ही घाटा है सब किसानों। अच्छा, ये बताइए आप के अभी जो दिल्ली में बहुत सारे किसान लोग जो है आसपास में, बहुत आपको आपको पता है वहाँ पे आप किसानों की आवाज़ उठाई जा रही है, वहाँ पे आंदोलन हो रहा है, आप लोगों को मालूम? किसी को पता है? मालूम। किसको पता है आपको? मालूम है TV समाचार के माध्यम से मालूम मालूम चला मालूम। तो आपके हिसाब से वो लोग ठीक कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं? वो सही कर रहे हैं। सही कर रहे हैं सर, सही कर रहे हैं। तो उनकी बात मानी जानी चाहिए कि उनको नक्सली बोलना चाहिए? नहीं नहीं, उनकी बात मानी जानी चाहिए। लेकिन बहुत सारे लोग जो हैं, आप बताइए कि उनको कहा जा रहा है कि वो नक्सली हैं, तो वो किसी कांग्रेस पार्टी के हैं, इसके उसके, ये कहां तक आपको? नहीं नहीं, ये गलत बात है, ये तो किसानों की तत्पर की बात है, किसानों की सहयोग की बात है। क्या है, दाम के उचित के लिए वो लड़ रहे हैं, जो कि दाम कम है तो दाम बढ़ाने के लिए वो लड़ रहे हैं, उसमें कोई पार्टी और कोई उसका तो कोई बेस ही नहीं है ना। सही। अच्छा, तो मतलब उनका उनकी लड़ाई सही लगती? सही है, सही है, बिल्कुल सही है, लड़ाई सही लगती बिल्कुल। तो आपके हिसाब से सरकार को उनकी बात सुननी चाहिए? सरकार को उनकी बात सुनना चाहिए, वास्तविक में सुनना चाहिए। अच्छा अच्छा, आप तीनों किसान हैं जी, आप लोग सभी लोग धान लेकर आते हैं यहाँ पे, यहाँ पर गेहूं का उत्पादन होता है? यहाँ नहीं होता, बहुत कम होता है सर, 5% होता है। अच्छा, आपको मालूम है पिज्जा काहे से बनता है? पिज्जा गेहूं से बनता है। पिज्जा कभी आपको लगता है कि गेहूं से बना हुआ पिज्जा हमको खाना चाहिए? खाना चाहिए ना। हाँ? खाना चाहिए, किसान को खाने का हक है कि नहीं? है, है, है। अच्छा, किसी ने मशरूम की सब्जी खाए हो आप लोग?
खाए सर हमने मशरूम की सब्जी खाए। अच्छा काजू की रोटी खाए हो आप? नहीं वो काजू की नहीं खाया सर, अपना फसल ही नहीं होती तो काजू की रोटी कहाँ खाएंगे। काजू इतने दाम का है कि वो सिर्फ खा लिए तो बहुत बड़ी बात है, रोटी तो दूर की रही। लोगों का काम है सर, बड़े लोगों का काम है, हम किसान लोग नहीं खा सकते काजू की रोटी। काजू की रोटी नहीं खा सकते? प्रधानमंत्री जी तो खाते हैं। खाते हैं वो, खाते होंगे सर, प्रधानमंत्री हम देखे तो नहीं उनके बारे में खाते या नहीं खाते। प्रधानमंत्री जी के बारे में एक बात कही जाती है दर्शकों कि वो काजू की रोटी खाते हैं और मशरूम की सब्जी खाते हैं और ये रोज खाते हैं वो, तो हम किसान साथियों से पूछना चाहते हैं कि आप लोगों ने कभी काजू की रोटी खाई? नहीं नहीं नहीं, नहीं, नहीं खाई है आप लोगों ने कभी? नहीं खाई। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि किसान को भी काजू की रोटी खाने की स्थिति बननी चाहिए, उनको उनको मिलना चाहिए। आपको क्या लगता है कि ऐसी किसान को गरीब रहना जरूरी है? किसान तो गरीब ही है सर। अच्छा आपके हिसाब से किसान को अपनी समस्या से परेशान होके फांसी लगा लेना चाहिए, मर जाना चाहिए, आत्महत्या कर लेना चाहिए, ये अगर कोई दिक्कत है तो आंदोलन करना चाहिए, क्या करना चाहिए? आंदोलन करना चाहिए सर, ये कदम नहीं उठाना चाहिए किसान को। हाँ कि आत्महत्या करना नहीं, लेकिन एक बात तो कही जाती है कि मध्य प्रदेश है या महाराष्ट्र है वहाँ के ज़्यादातर किसान आत्महत्या करते हैं और आंदोलन केवल हरियाणा और पंजाब के किसान करते हैं, तो ये कहा जा रहा है कि आंदोलन तो केवल दो राज्यों के लोग कर रहे हैं, बाकी लोगों को कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा कुछ है क्या? नहीं अपने यहाँ तो अभी समर्थन मूल्य के हिसाब से सब ठीक है सर। शिवराज जी चौहान की सरकार के हिसाब से हमारा समर्थन मूल्य मिल रहा है अपने को और कोई अब परेशानी नहीं है, यहाँ परेशानी नहीं है, लेकिन अगर मंडी खत्म हो जाएगी तो परेशानी पैदा होगी सर। तब अगर मंडी खत्म हो जाएगी तब परेशानी पैदा होगी, तो इसका मतलब इस वर्ष किसानों की एक भी धान मंडी में नहीं आई है। अच्छा। यानी शुरू में भी जैसे समर्थन मूल्य के पहले क्योंकि वही 1400-1500 में ले रहे थे तो फिर आई नहीं धान, उनके समर्थन मूल्य का इंतजार किए जब तक खरीदना चालू न हो, तभी तक इंतजार किए किसानों, तब चालू हुआ है। अब शुरू हो चुका है 16 नवंबर से, तो जब से उसके पहले की सब वही मंडी में आई नहीं थी। मंडी चालू रखना चाहिए, मंडी चालू रखना चाहिए और मंडी कड़क रखना चाहिए। इसमें 50, 100, 200, 300 हमाल जो है वो बेरोजगारी हो गए। हाँ वही तो, टेस्ट खत्म नहीं करना था सरकार, मोदी सरकार को। अच्छा हाँ, टेस्ट लागू रहना चाहिए, धान आना चाहिए, काम दे। हाँ ये गलत हो कर रहे हैं मोदी सरकार। अच्छा, जो तीन बिल आए हुए हैं क्या किसान इसके बारे में जानता है? किसान को एक भी ज्ञान नहीं है सर। अच्छा किसी प्रकार का, किस प्रकार से मतलब कोई बाइलाज आया नहीं है। हाँ। बाइलाज आना चाहिए तो मतलब किसान को ओपन होना चाहिए, उसका चस्पा लगाना चाहिए कि भाई ये आपकी समस्या है, ये आपके साथ में है। उनने वहाँ मतलब पास कर दी लोकसभा में। हाँ। और उसके बाद में किसान को मतलब तीन बिल आपने लागू कर दिए, उसमें क्या क्या सुविधा है? लेकिन ये तीन बिल को लेकर पंजाब और हरियाणा के किसान, कहा जा रहा है कि पंजाब और हरियाणा के ही किसान जो है वो आंदोलन कर रहे हैं, दिल्ली के आसपास पूरा अभी इस वक्त जाम लगा हुआ है, तो आपको क्या लगता है कि वो गलत कर रहे हैं? अब बिल पढ़ने पे ही मतलब पता चलेगा। अच्छा कि वाजिब क्या है, तो मतलब ये है कि मध्य प्रदेश का किसान जो इस वक्त हम बालाघाट की मंडी में है, मध्य प्रदेश का किसान इसलिए आंदोलन नहीं कर रहा क्योंकि उसको बिल के बारे में जानकारी नहीं है। अगर बिल के बारे में जानकारी हो तो और अगर उसमें कुछ गलत दिखा हाँ, तब फिर आंदोलन होगा जी, तब होगा आंदोलन, तब आंदोलन आपके हिसाब से। तो स्थिति यह है दर्शकों की किसी को पता नहीं है, और जब पता ही नहीं है ऐसे में आंदोलन नहीं हो रहा है मध्य प्रदेश में, तो ये इस वजह से संभवतः ऐसा हो रहा है। आपको बता दें कि जो द बैटल ऑफ भीमा कोरेगांव ये जो फिल्म है, इस फिल्म के कुछ कलाकारों ने भी इस बात का समर्थन किया कि किसानों को उनके जो मांग है उसका वाजिब जो उसको सुना जाना चाहिए, जो वाजिब मांग है उसको पूरा किया जाना चाहिए, और साथ ही ये बात कही कि ये जो किसानों को अलग अलग तरीके से बदनाम करने की जो कोशिश की जा रही है वो नहीं होना चाहिए, और साथ ये भी कहा कि किसानों को आंदोलन करने की तो ज़रूरत ही नहीं होनी चाहिए। ये इसकी जो दिगांगना सूर्यवंशी जो है उन्होंने कहा कि किसानों को आंदोलन करने की ज़रूरत क्यों पड़ी, उनकी बात तो यूं ही मान ली जानी चाहिए। वहीं सनी लियोनी ने एक बात कही, आपको बता दें कि सनी लियोनी ने कहा कि पिज्ज़ा खाना किसान का भी हक है, और सिर्फ अगर पिज्ज़ा उस आंदोलन में पिज्ज़ा खिलाया जा रहा है तो उसको लेकर इस तरह से बदनाम उन्हें नहीं किया जाना चाहिए, ये बात कही। और बहुत बड़ी बात अभिषेक जो कृष्णा है उन्होंने भी कही है, और साथ ही जो इसके निर्माता है रमेश थेटे ने क्या कहा, आप ये भी सुन लें। मेरा नाम जरूर प्रोड्यूसर के रूप में है, लेकिन इस फिल्म में एक आम किसान का भी पैसा लगा है, 3000 लोगों का पैसा लगा है इस फिल्म में, 3000 छोटे छोटे गरीब किसानों का पैसा लगा है। I think we live in a time in a world where everything is changing.
सब कुछ चेंज हो रहा है एंड वी हैव टू सपोर्ट व्हाट्स करेक्ट एंड व्हाट्स राइट एंड वी हैव टू सपोर्ट द पीपल हु फीड अस जो हमको खाना देते हैं जो इतना काम करते एंड दे ब्रेक देयर बैक्स फॉर अस एंड फार्मर्स आर सम ऑफ दोस पीपल एंड आई फील बैड दैट दे आर गोइंग टू बी आउट इन द कोल्ड दे आर गोइंग टू बी सफरिंग ऑन द स्ट्रीट्स राइट नाउ बट आई डू होप दैट दैट चेंज on both sides is fair so jab bhi wo conclusion hota hai on both sides for farmers and the government then it's things have to change we don't live in a different world we live in this time and we have to change according to that definitely kisanon ko support karta hu main bhi karta hu aur sabhi ko karna chahiye aur I think unko unka right milna chahiye isme koi thought ki baat hi nahi आई थिंक दे शुड उनको अपना राइट डेफिनेटली मिलना चाहिए उनको राइट मांगने की भी जरूरत पड़ रही है बिल्कुल ये बात आपने मतलब ये तो कोई बात ही नहीं हुई कि जो इतना ज़्यादा काम करते हैं सबसे लेबोरियस काम है सबसे इम्पोर्टेंट काम हमारा प्राइमरी कंट्री का ऑक्यूपेशन एग्रीकल्चर है और उनकी स्थिति अगर इतनी खराब है सच रिली साहब और ज़्यादातर जो लोग हैं ओबीसी के ही होते हैं जो लोग किसान होते हैं तो आपको क्या लगता है इन बिलों आपका क्या कहना है क्या कहना है जैसा कि हम सभी देख पा रहे कि विगत लगभग डेढ़ महीने से भारत देश के किसान दिल्ली में आंदोलन कर रहे जिसमें लगभग 12-13 किसानों की मृत्यु भी हो चुकी है बहुत ही चिंताजनक बात है कि आज भारत देश का अन्नदाता रोड पे उतरकर आंदोलन करने को मजबूर है और सबसे बड़ी बात मैं बताना चाहूँगा कि जो पंजाब हरियाणा के जो किसान भाई लोग आंदोलन कर रहे कहीं ना कहीं वो सभी लोग जागरूक है और अन्य जो किसान लोग आंदोलन नहीं कर पा रहे जो 3 बिल जो आए कहीं ना कहीं जागरूकता की कमी है शिक्षा का अभाव है तो पूर्ण रूप से मैं कहूँगा कि मध्य प्रदेश में भी इसी प्रकार के आंदोलन की जरूरत वर्तमान में अगर जल्द ही किसान ने बड़ा कदम केंद्र सरकार के खिलाफ नहीं उठाया तो आने वाले समय में किसान अपनी धान की जो उपज की जो समर्थन मूल्य होता है उसके लिए कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है जी अच्छा ये बताइए कि ये जो मीडिया के माध्यम से किसानों को एक बात कही जाती है कि ये लोग किसान नहीं हैं ये नक्सली हैं और इन लोग जो हड़ताल कर रहे हैं या मांग कर रहे हैं या सड़क पर वो प्रदर्शन कर रहे हैं तो वो गलत है देखिए भारत देश के किसान हो विद्यार्थी हो या अन्य हो जब जब भारत देश में किसी भी प्रकार का अभी वर्तमान में हम देखने आ रहे हैं कि जब जब कोई विद्यार्थी छात्र आंदोलन रोड पे उतरता है तो कभी उसको नक्सली कभी टुकड़े टुकड़े गैंग के सदस्य या अन्य जैसे अभी देखने में आ रहा है किसानों को नक्सली आतंकवादी कहकर संबोधन किया जा रहा है तो कहीं ना कहीं जो भारत देश की मीडिया पूर्ण रूपेण केंद्र सरकार और भाजपा की गुलाम बन चुकी है और ये जो मीडिया जिस तरीके से परिभाषित कर रहा है भारत देश के किसानों को बहुत ही दुखद घटना है मैं भारत देश की मीडिया से आह्वान करता हूं कि कहीं ना कहीं आपके परिवार में भी किसान होंगे तो किसानों के की भावनाओं को समझते हुए इतने खतरनाक शब्दों से उनको परिभाषित ना किया जाए आज हम लोग मीडिया के माध्यम से देख रहे हैं कि उनके ऊपर में किस तरीके की पानी की बौछार की जा रही है उनको पीटा जा रहा है कई जो पीड़ित किसान थे उनकी मृत्यु हो चुकी है तो मीडिया से पुनः यही अपील करूंगा कि भारत देश का किसान सिर्फ किसान है बाद में वो कोई दल का सदस्य है हम भी सबसे पहले किसान पुत्र है तो निवेदन यही है कि वो ना नक्सली है ना आतंकवादी है जी अच्छा ये बताओ सौरभ कि आप युवा हैं कभी आपने पिज्ज़ा खाया है मैंने अपनी लाइफ में एक आध बार पिज्ज़ा खाया हूँ पिज्ज़ा आपने खाया है तो किसानों को क्या हक नहीं है कि वो पिज्ज़ा खाए देखिए किसानों को तो हर चीज़ खाने का हक है पर आज वर्तमान में हम देखने में आ रहा है कि जो किसानों के जो आंदोलन में पिज्ज़ा खा रहे कुछ ट्रैक्टरों में आ रहे कुछ फोर व्हीलर में आ रहे तो उन पर भी सवाल खड़ा किया जाता है क्या किसान को फोर व्हीलर लेने का हक नहीं क्या किसान को पिज्ज़ा खाने का हक नहीं हमारी तो अपेक्षा है कि किसान आने वाले समय में पिज्ज़ा ही नहीं काजू किशमिश बादाम खाए और अपनी जो उपज है अधिक से अधिक पैदा करें।
आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। आज के इस कार्यक्रम में हमने प्रयास किया कि तमाम जो किसान आंदोलन से संबंधित जो बातें हैं वो आप तक पहुंचाएं, और साथ ही हमने ये भी जाना कि क्या किसान पिज्जा खाने के लायक या मशरूम की सब्जी खाने के लायक या फिर काजू की रोटी खाने के लायक कभी बन पाएगा। अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी तुरंत करें और आप इस चैनल को शेयर करके तमाम लोगों तक पहुंचाएं। बहुत बहुत थैंक यू।